हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में वर्कबुक में पेज नंबर 169 और चैप्टर अपना 9 जो चल रहा है ना, डेटा हैंडलिंग, वही है ना। तो यहाँ देखो, पेज नंबर 169 में क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। आपको ये टेबल दिया है, तो टेबल कौन सा है ये देखो। डेटा ऑफ सेलिंग ऑफ आइसक्रीम कॉन्स इन 2 वीक्स इज गिवन। 2 वीक का डेटा दिया है आइसक्रीम सेलिंग्स का, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक है ना बेटा, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में। तो यहाँ आइसक्रीम के नेम भी है। हाँ, आइसक्रीम का नाम सुनते आपको क्या होता है, आइसक्रीम खाने के जी ललचा रहा है ना, है ना। तो जाके मम्मी से बोलो बाजार से लेके आएंगे और खा लेना, ओके बेटा। तो यहाँ ध्यान रखो, ये आपको क्या दिया है, टेबल दिया है। टेबल में यहाँ लिखा है आइसक्रीम फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर की जो आइसक्रीम आती है वो फ्लेवर्स के नेम लिखे है, वेनीला, पिस्ता, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो। यहाँ लिखा है फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कौन कौन सी फ्लेवर की कितनी कौन सेलिंग हुई, बेची है ना, तो वो नंबर लिखे हैं। और सेकंड वीक, दूसरे वीक में यही फ्लेवर की कौन कौन सी आइसक्रीम ज़्यादा सेलिंग हुई वो लिखा है, नंबर लिखा है कितनी सेलिंग हुई। तो यहाँ देखो आइसक्रीम फ्लेवर, यहाँ VANILLA वैनिला, PISTA पिस्ता, CHOCOLATE चॉकलेट, STRAWBERRY स्ट्रॉबेरी, PINEAPPLE पाइनएप्पल, ORANGE ऑरेंज, MANGO मैंगो। तो ये हुई क्या है, अलग अलग फ्लेवर के नेम लिखे हैं आइसक्रीम फ्लेवर। अभी वेनिला फर्स्ट वीक में कितने कॉन्स गए सेलिंग हुए, तो फर्स्ट वीक में 5 और सेकंड वीक में 6। पिस्ता फर्स्ट वीक में 4 और सेकंड वीक में 3। चॉकलेट फर्स्ट वीक में 7, सेकंड वीक में 6। स्ट्रॉबेरी फर्स्ट वीक में 3 और सेकंड वीक में 4। पाइनएप्पल फर्स्ट वीक में 4 और सेकंड वीक में 5। पाइनएप्पल फर्स्ट वीक में 4 और सेकंड वीक में 5। ऑरेंज फर्स्ट वीक में 5, सेकंड वीक में भी 5। ये तो कहाँ भी चेंजेस हुई नहीं है, फर्स्ट वीक में जितनी सेलिंग हुई उतनी ही सेकंड वीक में हुई है। मैंगो फर्स्ट वीक में 5 और सेकंड वीक में 7, मतलब यहाँ 5 लिखा है फर्स्ट में वीक में वेनिला फ्लेवर में और सेकंड वीक में 6 लिखा है, तो फर्स्ट वीक से 1 ज़्यादा हुआ सेलिंग। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, मतलब फर्स्ट वीक में पिस्ता ज़्यादा हुआ था सेलिंग और सेकंड वीक में 1 कम हुआ। चॉकलेट फर्स्ट वीक में 7 है और सेकंड वीक में 6 है, मतलब फर्स्ट वीक में 7 हुआ और सेकंड में 6 का मतलब फर्स्ट वीक में 1 कौन ज़्यादा सेलिंग हुआ है। फर्स्ट वीक में स्ट्रॉबेरी 3 और 4 सेकंड में, तो सेकंड वीक में 1 सेलिंग ज़्यादा हुआ। 4 पाइनएप्पल फर्स्ट वीक में, सेकंड 5, मतलब सेकंड वीक में 1 पाइनएप्पल आइसक्रीम फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर वाला आइसक्रीम ज़्यादा सेलिंग हुआ 1। 5 ऑरेंज फर्स्ट वीक में और 5 सेकंड वीक में भी, तो दोनों सेम, इसमें चेंज नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला। फर्स्ट वीक में मैंगो 5 और सेकंड वीक में 7, मतलब मैंगो फ्लेवर वाला फर्स्ट वीक में 5 हुआ और सेकंड वीक में 2 ज़्यादा हुआ।
तो इसके रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आंसर है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज मोस्ट लाइक इन द फर्स्ट वीक, मतलब कौन सा फ्लेवर वाला आइसक्रीम ज़्यादा पसंद आता आया फर्स्ट वीक में। तो यहाँ जिसका नंबर ज़्यादा है वो उसका नंबर आपको यहाँ नाम लिखना है, मतलब 5 4 7 3 4 5 5 7, तो 7 का यहाँ नाम लिख देखो, चॉकलेट। तो कौन सा ज़्यादा हुआ है? चॉकलेट। तो यहाँ फर्स्ट वीक में चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम ज़्यादा है ना। सेकंड, विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज लीस्ट लाइक इन टू सेकंड वीक, मतलब लिस्ट मतलब कम हुई। सेकंड वीक में कौन सी फ्लेवर वाली आइसक्रीम कम सेलिंग हुई है? यहाँ नंबर देखो, 6 3 6 4 5 5 7, जिसका नंबर कम है वो लेस होगा, लिस्ट होता। तो ये यहाँ नंबर है तो पिस्ता लिखा है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? पिस्ता फ्लेवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज लाइक द सेम ड्यूरिंग बोथ द वीक, दोनों वीक में सेम फ्लेवर वाली कौन सी आइसक्रीम गई है वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ देखो, दोनों में जो नंबर सेम होगा, 5 6 4 3 7 6 3 4 4 5 5 5, यस, ये दोनों नंबर सेम है, तो 2 वीक में बोथ वीक, तो कौन सी फ्लेवर? ऑरेंज। तो ORANGE, ऑरेंज का स्पेलिंग आपको यहाँ लिखना है। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन आया, विच आइसक्रीम फ्लेवर वॉज मोस्ट लाइक इन द सेकंड वीक, सबसे ज़्यादा फ्लेवर वाली आइसक्रीम सेकंड वीक में गई, तो कौन सी हुई? यहाँ देखो, जिसका नंबर ज़्यादा है सेकंड वीक में, यहाँ देखो 7 लिखा है, ये सबसे ज़्यादा नंबर है, तो 7, मैंगो। तो आपको यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन में MANGO मैंगो लिखना है, मतलब मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम सबसे ज़्यादा सेकंड वीक में गई है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच वीक द सेलिंग ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम वॉज द मोस्ट, फर्स्ट वीक एंड हाउ मच। तो फर्स्ट वीक में चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम कौन से वीक में है और कितनी है? तो यहाँ फर्स्ट वीक में है चॉकलेट, है ना। सेकंड वीक में तो 6 ही गई है, तो फर्स्ट वीक में है, यहाँ लिखना है आपको फर्स्ट वीक, और कितनी गई है? 7, तो आपको यहाँ 7 लिखना है। ओके, अभी ये देखो नंबर आया 6, इन विच वीक द सेलिंग ऑफ पिस्ता आइसक्रीम वॉज द लिस्ट, पिस्ता फ्लेवर वाली आइसक्रीम कौन से वीक में कम गई है? तो यहाँ देखो, ये दोनों में देखना है, ये फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, फर्स्ट वीक में तो 4 गई है, तो कम कौन से वीक में गई है पिस्सा आइसक्रीम? सेकंड में। तो यहाँ लिखना है सेकंड वीक। हाउ मच? तो कितनी? तो 3, है ना बेटा। तो यहाँ सेकंड वीक और आपको 3 लिखना है, पता चलता है ना बेटा। यहाँ देखो, चॉकलेट लिखना है, CHOCOLATE, यहाँ PISTA पिस्ता लिखना है सेकंड में आंसर, थर्ड में आंसर आएगा ऑरेंज, फोर्थ में आएगा मैंगो, फिफ्थ में आएगा फर्स्ट वीक और 7, सिक्स में आएगा सेकंड वीक और 3। अभी यहाँ पीछे क्वेश्चन भी है एक बात, ये देखो, द सेलिंग ऑफ विच आइसक्रीम वॉज मोर फ्रॉम ऑरेंज एंड मैंगो ड्यूरिंग बोथ द वीक, बराबर। ऑरेंज और मैंगो करता ज्यादा कौन से वीक में गई है और कितनी गई है? ऑरेंज और मैंगो से ज्यादा, तो आपको यहाँ ये
टेबल देखना पड़ेगा, ऑरेंज और मैंगो करते ज़्यादा। कौन सी है ये? 5 है 7 है ना? तो कौन कौन सी गई है ऑरेंज और मैंगो करता ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हाँ चॉकलेट है ना? कितनी चॉकलेट? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों वीक में ज़्यादा गई है ना बेटा? हाँ फर्स्ट और सेकंड, और ये दोनों देखो, ये और वेनिला और चॉकलेट दोनों, और फर्स्ट और सेकंड मैंगो से ज़्यादा गई है ना? ये तो सेम है, और देखो ये सेकंड वीक में ज़्यादा है इससे, यहाँ से तो चॉकलेट आएगा फर्स्ट और सेकंड में ड्यूरिंग बोथ द वीक, ये रहा तो चॉकलेट और हाउ मच, तो 7। ओके बेटा, तो ये, और यहाँ आपको क्या करना है, पुट द इम्प्रेशन ऑफ योर राइट हैंड एंड डू एस डायरेक्शन बिलो। ये आपका राइट हैंड ये रहा, ऐसे रखना है और ड्रॉ करना है। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको यहाँ भरना है, पुट सर्कल अराउंड द लॉन्गेस्ट फिंगर। तो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर कौन सी है, इसमें राउंड करना है। पुट स्क्वायर अराउंड द स्मॉलेस्ट फिंगर, तो आपकी स्मॉल फिंगर कौन सी है, इसमें आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। पुट ट्राइंगल अराउंड द थंब, थंब में आपको क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। पुट रेक्टेंगल अराउंड द फर्स्ट फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर कौन सी आपकी, ये रही, इस पर आपको रेक्टेंगल करना है। पुट ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 है ना, अराउंड द थर्ड फिंगर, तो थर्ड फिंगर कौन सी आती है, ये रही है ना, तो इसमें आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है। ओके बेटा, अभी ये आई अपनी एक्टिविटी, और ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें क्या करना है देखो, यहाँ रेड ग्रीन येलो ब्लैक वाइट ब्लू वायलेट और ऑरेंज यहाँ दिया है, ऐसे देखो क्या करना है, डीप द थंब, थंब ये आपको थंब कलर में ड्रॉ करना डुबाड़ना है, और थंब इम्प्रेशन से आपको ये बटरफ्लाई कंप्लीट करना है। ओके, अभी आया डू लेट्स डू होमवर्क, ये तो आपको पता है ना, तो ये सब आपको काउंट करके यहाँ नंबर लेटर लिखना है, और यहाँ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको अभी मैं सिखाऊंगी ये। ओके, तो आपको पेज नंबर 172 तक बटरफ्लाई तक कंप्लीट करना है।